स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मंगोलिया का योद्धा चंगेज खान, जिसने एक घोड़े पर पूरी दुनिया जीत ली थी, उसके नाम से ही पूरी दुनिया डरती थी। लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि उसे कहां दफनाया गया है। चंगेज खान का दफन आज तक भी एक रहस्य बना हुआ है। मंगोलिया के शासन में विकास के नाम पर सिर्फ 2% सड़कें ही बनी हैं। लेकिन एक जमाना ऐसा था कि जब मंगोलिया के शासक से पूरी दुनिया डरती थी। वो शासक था चंगेज खान, जिसने घोड़े पर पूरी दुनिया जीत ली थी। 13वीं शताब्दी का ये योद्धा पूरी दुनिया में अपनी रणनीति और जंग के लिए जाना जाता है। प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर के बीच में आने वाली हर चीज पर चंगेज का ही कब्जा था। करीब 800 साल पहले मर चुके इस मंगोलियाई योद्धा की असली कहानी इसके मरने के बाद शुरू हुई। इसकी कब्र आज तक सभी के लिए राज बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि चंगेज खान को कहां दफनाया गया था। चंगेज के मरने के बाद उसे खुफिया जगह दफन किया गया। उसकी कब्र कोई खोज ना पाए, इसलिए जब उसकी लाश ले जाई जा रही थी, तब जो भी रास्ते में आया उसे मार दिया गया। उस कब्र के ऊपर 1000 घोड़े दौड़ाए गए थे ताकि उस कब्र का कोई नामो निशान न मिले। चंगेज खान खुद चाहता था कि उसकी लाश किसी के हाथ ना लगे, क्या किसी को ये न पता चले कि वो कहां दफनाया गया है। कई लोगों का मानना है कि चंगेज की कब्र का अगर किसी को पता चल गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। चंगेज की कब्र के राज को 14वीं शताब्दी के तुर्क मंगोलियाई राजा तैमूर लंग की कब्र से जोड़ा जाता है, जिसे सोवियत पुरातत्वविदों ने 1941 में खोदा था और जिसके फौरन बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। साल 1990 में पहली बार जापान और मंगोलियाई सरकार ने मिलकर गुरबान गोल नाम का प्रोजेक्ट चलाया था। लेकिन उसी साल मंगोलियाई में डेमोक्रेटिक क्रांति हुई और इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। लोग नहीं चाहते थे कि ये राज दुनिया के सामने आए। चंगेज की कब्र खोजने के लिए कुछ अटकलों और बाकी रिसर्च का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन अटकलें और रिसर्च आपस में मेल नहीं खा रही। मंगोलिया की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पुरातत्व विभाग के प्रमुख हैं। वो साल 2001 में मंगोल के दूसरे राजा की कब्र की रिसर्च कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चंगेज इस राजा का ही वंशज है जिसकी कब्र की वो खोज कर रहे हैं, और जिस राजा की कब्र की खोज वो कर रहे हैं, ये कब्र करीब 2000 साल पुरानी है। रिसर्चर्स इसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चंगेज की कब्र कैसी होगी। जिस कब्र की वो खोज कर रहे हैं, वो कब्र जमीन के 20 फीट अंदर है और उसके आसपास चौकोर पत्थर रखे हुए हैं। इसके अलावा उसकी कब्र में कई कीमती चीजें रखी थी जो उसके शासन को बयां कर रही थी, जैसे रोम के कांच के बने पदार्थ, कीमती धातु के सिक्के, चीनी रथ, सोना चांदी आदि। कहा जाता है कि मंगोलियाई सैनिकों ने चंगेज को एक पहाड़ में कहीं दफनाया था, लेकिन जो 1000 घोड़े दौड़ाने की बात हुई थी, उस हिसाब से उसे कहीं प्लेन जगह पर दफनाया गया होगा। उम्मीद है दोस्तों कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इस चैनल के साथ अभी जुड़ने के लिए अक्षज एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।